मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। यूपी बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका, आईएमडी ने जारी किया अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक 2 और 3 अगस्त के बीच उत्तर पश्चिम भारत में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। इस दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र तटीय इलाकों में और तटीय कर्नाटक में बारिश होने की संभावना है, जबकि अगले 5 दिनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की जाएगी। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मंगलवार को झारखंड, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी यूपी, उत्तराखंड, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा के अलावा मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी में गरजेंगे बादल और बिजली। यूपी मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। पूर्वी यूपी में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो लखनऊ, कानपुर, भदोही, जालौर और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि औरैया, अलीगढ़, हमीरपुर, मथुरा, ललितपुर, झांसी, महोबा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में बिजली गिरने की संभावना। इस सबके अलावा मौसम विभाग ने अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर के साथ रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, जालौन समेत कई जिलों में बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीधी, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, अनूपपुर, रीवा, सतना, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पन्ना जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में हल्की बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर में भारी और चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और सीकर जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जिसका क्रम गुरुवार को भी जारी रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले मंगलवार को भी प्रदेश के कुछ जिलों में बरसात हो सकती है, जो हल्की गति से बरस सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज पटना में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह सुबह कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज दिन भर हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। कल पटना समेत आसपास के इलाकों में दोपहर बाद बादल छाए रहे, जबकि गया, मोतिहारी, खगड़िया, हरनौत में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। मानसूनी तत्व के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। बादल छाने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, साथ ही कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा के साथ बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रा ने बताया कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है और इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 12 घंटों में प्रबल होकर अवदाब के रूप में बदलने की संभावना है। इसके प्रभाव से मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, साथ ही कुछ क्षेत्र भारी वर्षा के भी आसार हैं। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें UMB News। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।